हमारा लिए अच्छा दिन नहीं है। कह रहे हैं कि अब नया सरकार मन भर गया 10 साल में। और ये शेर है? अरे वो सियार बन के जाएंगे, शेर है तो सियार बन के जाएंगे। 400 पार मोदी हरा। अरे वो तो कह रहे हैं कि 400 का पार हो सकता है, गबरी नदी का पार हो जाएंगे। हम लोग राम नहीं चाहिए, हम लोग को काम चाहिए। ये सब जुमलाबाजी है। तो अगर है 400 के पार हो सकता है, अभी नदियों के पार हो जाएंगे। आप लोग आर पार कर देंगे? पार कर देंगे। अरे मंदिर क्या राम भगवान का पहले घर आप ही का घर रहते थे कि हमारा घर में रहते थे? काम कीजिए, वो काहे 5 किलो देते हैं? GST घटा दे और 2000 रूपया बंद कर दे। हाँ हमको रूपा नहीं चाहिए, हाँ रोजगार चाहिए, उससे दुख दूर होगा मंदिर से। हम लोग जमुई में है, जमुई लोकसभा क्षेत्र में 19 तारीख को प्रथम चरण में मतदान होना है। यहाँ सीधी टक्कर है RJD की अर्चना रविदास और अरुण भारती, जो चिराग पासवान के जीजाजी हैं, उनके बीच में हम जमुई की जनता के बीच में होंगे। जनता के मन में क्या है, किन्हें वोट करेंगे और साथ में इस बार इनका मुद्दा क्या होगा? नाम क्या हुआ आप लोगों का? मेरा नाम राजकुमार दास है। क्या माहौल है जमुई में? माहौल में जमुई अर्चना देवी जो है ना, अर्चना दास बहुत भारी मतों से जीत कर पार्लियामेंट जा रहे हैं। अर्चना रविदास, हाँ RJD में है जमुई, हाँ जीत के जा रहे हैं। हम लोगों का आशीर्वाद से घर। RJD कार्यकर्ता है या आम लोग हैं? हम लोग आम जनता है। अच्छा, आम लोग में लहर है RJD का? हम लोग विदेशी को देखते हुए, परदेशी को देखते हुए, हम लोग जो जम्मू जिला के वासी है उसी कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हैं। कौन परदेशी कौन विदेशी? विदेशी है जो इस बार अरुण भारती है, वो विदेशी है। और परदेशी जो चिराग पासवान के जीजाजी हैं, हाँ वही तो अरुण भारती कैंडिडेट है, उसी के नाम बोलेंगे। और अरुण जो है ना भारती विदेशी है, और चिराग पासवान जो है ना परदेशी था, वो हाजीपुर से आके जम्मू को जो है ना लूटने का काम करता था। बोले चमका दिए, जमुई मेरा घर है, हम जमुई के हैं, हमको राम नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। अच्छा, एक लाइन में जो जमुई का जो है मंदिर के नाम पे मोदी जी को वोट नहीं कर रहा, हिंदू को मजबूत कर रहे हैं। क्या हिंदू का? पहले राम थे कि पहले मोदी जी थे? राम जी, मोदी जी राम को लाए हैं। राम मोदी जी का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले राम थे और राम रहेंगे। और राम जो है ना सबको दिल में है, मोदी को कहने से नहीं होगा राम। सब पूरा हल्ला कर रहा है, जो राम जो हल्ला करता है वो पागल है। जो हल्ला करता है ना, हम आप ही पूछते हैं, पहले राम थे पहले मोदी थे? जिस समय देश आजाद हुआ था ना, उस समय मोदी जी का जन्म भी नहीं हुआ होगा। अच्छा, अब आप ही बताइए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं दीजिएगा मोदी जी को? नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा इस बार? नहीं, इस बार नहीं चलेगा। एकदम जो है 2020 फेल हो गया। हम लोग एकदम राम नहीं चाहिए, हम लोग को काम चाहिए। राम नहीं चाहिए, काम चाहिए। अरे राम भी चाहिए, काम भी चाहिए। अरे राम चाहिए, जब काम होगा तभी ना राम पास जाएगा। अयोध्या जाएगा तो उसमें पॉकेट में पैसा रहने चाहिए, भाड़ा होना चाहिए क्या? नहीं तो रास्ते में रह जाइए, रास्ते में जा ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा। हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं मोदी जी, गलत है, हृदय सम्राट जुमलाबाजी। हम तो एक लाइन में बोलते थे, पहले भी हिंदू था, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। अच्छा, क्या मोदी जी आने से हिंदू हो गया? ये सब जुमलाबाजी है, ये सब जुमलाबाजी है, पॉलिटिक्स है। हाँ जुमलाबाजी है। क्या बोल रहे हैं चाचा, क्या नाम हुआ आपका? अरे हमार होला, कितना रुपया घूम रहे हैं? कौन रुपया दिया? घूम रहे हैं तब में इतना सेल चल रहा है। कौन रुपया दिया? हाँ तब मेहनत कर रहे हैं। मीडिया कौन रुपया देता है? आप बिना खेले हम लोग को क्या मिलता है? मोदी दे रहे हैं क्या? हाँ तो मोदी, मोदी देता है पैसा? मोदी जी के ना हड़फड़ कर रहे हैं। अच्छा, मीडिया वाला मोदी का है? चलिए चाचा थे, क्या नाम हो चाचा आपका? हमारा नाम हुआ हेमराज यादव। यादव जी किधर वोट दीजिएगा इस बार? हमें देंगे नया सरकार में। कौन है नया सरकार? जो अगर आएगा नया बन के मोदी जी को ना, वो तो अगर है 400 के पार हो सकता है, अभी नदियों के पार हो जाए, नदियों के पार हो जाएंगे। 400 पार नहीं, नदिया के पार। हाँ 400 के वो आशा तो देख रहे हैं, हो सकता है कि नदी के पार हो जाएंगे। हाँ आप लोग आर पार कर देंगे? पार कर देंगे। यादव हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं करेगा मोदी जी को वोट? ना ना ना, समझ में आ गया? आ गया, समझ गए, समझ गए। मंदिर बना दिया मोदी जी? अरे मंदिर क्या, राम भगवान का पहले घर आप ही का घर रहते थे कि हमारा घर में रहते थे?
अरे राम का घर तो पहले से बना हुआ है, ये तो राजनीति पॉलिटिक्स बात बता रहे हैं। अरे बंद तो नहीं कर रहे हैं सर? बंद नहीं कर रहे हैं, हाँ दिखाएंगे, बोलिए। हाँ मोदी जी सबको राशन देते हैं 5-5 के जी। अब तो ये काम कीजिए, वो काहे 5 किलो देते हैं, GST घटा दे और 2000 रुपया बंद कर दे। हाँ हमको रुपया नहीं चाहिए, रोजगार के लिए दे दे। हाँ रोजगार चाहिए, उससे दुख दूर होगा मंदिर से? ना, मंदिर से दुख दूर नहीं होगा। सबको बोले पक्का मकान दे दिए हैं। कहाँ दिया है? नहीं दिए। नहीं बोले देश चमक रहा है। क्या कह रहा है? चलिए देखिए। नहीं चमक रहा है? नहीं। अच्छा दिन नहीं है आपका? हमारा लिए अच्छा दिन नहीं है। ना कैसा दिन आ गया? वो आ गया है, अब सोचेंगे अच्छा दिन के लिए। अच्छा, अब अच्छा दिन के लिए सोचेंगे। इस बार तवा पर से रोटी पलट दीजिएगा। पलट देंगे, पलट देंगे। मोदी जी का राज खत्म? अरे खत्म हो, अब ये हम कैसे कह दें? अरे जिन्हें आप वोट दीजिएगा वही उसी में सरकार बनेगा। अरे हाँ तो वो तो हम तो कह रहे हैं कि अब नया सरकार। नया सरकार? नया सरकार। इसे मन भर गया? मन भर गया 10 साल में। 10 साल मन भर गया? भर गया। घर में सिलेंडर दे दिए मोदी जी? कहा अगर पूछिए ना, पहले 600 रुपया, अभी 1100-1150 रुपया। ये क्या किए मोदी जी? शेर है? अरे वो सियार बन के जाएंगे, शेर है तो सियार बन के जाएंगे। 56 इंच का सीना है। उनको जो है शेर पालिएगा चाचा, तो थोड़ा सा तो महंगाई सहन पड़ेगा। कहल सहेंगे महंगाई? महंगाई कहा के लिए, वो अगर हमसे करवाएंगे अगर सहवाएंगे? ना दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। अरे बज रहा है, बजाना दीजिए, हमको इससे क्या लेना था? क्या गाँव में बज रहा है? न हमारे गाँव में न, हमारा झंडा लहर बढ़ रहा। लालटेन? हाँ। अर्चना रविदास कैसी नेता है? वो अभी तो है, नया है, अब देखिए कैसा क्या काम करेगा। मुलाकात की आपसे? मुलाकात की? हाँ मुलाकात हुआ, वो तो जिस दिन से जन्म हुआ है उस दिन से कभी कभी मुलाकातें वही की है। हाँ चिराग के जीजाजी हैं अरुण भारती। अरे तो वो भारतीय जी है तो अपना देखे पहले, वो अपना चुनाव चिराग जी अपना चुनाव देखे, अपना हार जाएंगे। अरे क्या होगा सर, अब तो समय बताएगा। चिराग का लहर खत्म? लहर खत्म, चिराग के नाम पे कोई वोटिंग नहीं। अरे भाई वो तो हनुमान जी बन गए थे। हनुमान जी हैं मोदी जी के? हाँ तो हनुमान जी अब किए न देखाएंगे, अब किए तो हनुमान जी के अगर शक्ति दिखाएंगे। हनुमान जी वाला गदा कहाँ फरेगा इस बार? अरे वो गदा फरेगा नया सरकार में। लालटेन पर? हाँ। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम हुआ सीताराम यादव। क्या माहौल है अब की बार? अर्चना सरकार, अर्चना भारती। 400 पार? 400 पार नहीं होगा। अरे ठीक है बोले बुढ़ा चाचा की, नदियों का पार। नदिया के पार? नदिया का पार। अब की पार? नदिया के पार, सही है बोले, कोई गलत नहीं बोले। और आदमी को रोजगार चाहिए, 5 गुनाह से पेट नहीं भरने वाला है। एक आदमी को रोजगार हो जाता 5 परिवार पलाता उससे। TSP जी ने 4-4.5 लाख नौकरी दिया, वो 4-5 गुना 25 लाख ऐसे हो जाता है। वो जो नौकरी से चुनाव है, योगी जी आएंगे 80-20 बोलेंगे, हिंदू सब आप लोग जो है हिंदू मुस्लिम पर वोट कर देंगे। हम लोग पुलगामा वाला कहानी शुरू हो जाएगा, पुलगामा वाला। अर्चना रविदास को जिताएंगे, जिताएंगे और TSP जी को हाथ मजबूत कराएंगे। मार दिए 10 साल TV में दिखा रहा है सब। कौन चीज? 400 पार मोदी हर। अरे वो तो कह रहे हैं कि 400 का पार हो सकता है, गबरी नदी का पार हो जाएंगे। हर मोदी घर घर मोदी नहीं होगा? नहीं वो जो थरिया बजा हर मोदी घर घर मोदी होगा। आप लोग देंगे रामविलास को वोट? हाँ चिराग जी क्या क्या किए? पूरा लड़का नहीं उठा लेगा, हर जाति सब है। अरे वो सब नहीं होने वाला है, वो सब कैसे नहीं होगा सब देखेंगे। हाँ रामविलास NDA पार्टी को वोट देंगे, BJP को? हाँ देंगे BJP को। मोदी बहुत काम किया है, ऐसे बात नहीं है क्या? पूरा विश्व में उसका डंका बज रहा है। क्या क्या काम किए? काम किए, राम मंदिर बनवाए और सब बहुत पेंशन दे रहा है। राम मंदिर काम हुआ? काम हुआ
500 बरस से नहीं मनाता हूँ। घंटा बजाएगा, घंटा वहाँ जा करके आपको बेरोजगार मंदिर में घंटा बजाइए। अरे घंटा नहीं बजाएगा, भगवान जो ला दिए ना, और प्रधानमंत्री बड़ा इसे भगवान को लाने वाले मोदी जी कौन होते हैं? कौन होते हैं भगवान मोदी जी लायक ले रहे हैं, और इतना प्रधानमंत्री को कहीं लाए थे? पहले से भगवान है ना श्री राम, तो पहले से कि मोदी जी के आने के बाद से राम जी आए हैं। संविधान पर खतरा है अभी, इसलिए करके जो है सो हम लोग अर्चना रविदास का वोट देंगे और तेजस्वी हाथ मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत को वोट देंगे। चलिए, कुछ लोग थे, हमने बातचीत करने का प्रयास किया है, कुछ लोग अर्चना रविदास के पक्ष में हैं और कुछ लोग अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजाजी हैं, यहां से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको वोट देंगे, कुछ लोग ऐसे भी। नाम आपका क्या हुआ? जय प्रकाश साहब। साहब जी हैं सब साहब, अमित शाह के नाम पर आप किए तो उन्हें कहता है की हम किए तो रासलीला, आप किए तो आप भी शाह हैं, तो अमित शाह के नाम पर बीजेपी को वोट, जातिवाद नहीं हुआ? जातिवाद नहीं हुआ, मोदी जी को जात के नाम पर वोट दीजिएगा आप। जात के नाम पर सबसे ज्यादा पर वोट दे रहा है, रविदास किसके नाम पर वोट दे रहा है? आप भी शाह हैं ना, अमित शाह के नाम पर वोट दे रहे हैं या मोदी को? मोदी को जात के नाम पर वोट दे रहे हैं? नहीं, बीजेपी के नाम पर वोट दे रहे हैं। आप बीजेपी के नाम पर शाह है तो, और ये लोग जो है आरजेडी तो यादव के नाम पर जो है जातिवाद कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। कैसे होगा ना? तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग पक्ष में करेंगे, कुछ लोग विपक्ष में करेंगे, आपका क्या मानना है? जो 400 पार आपको दिख रहा है टीवी अखबार में, उसकी वास्तविकता ग्राउंड पे क्या है? इसी की तहकीकात करने के लिए हम लगातार ग्राउंड पे जा रहे हैं। ग्राउंड पे कई सारे लोग हैं जो मोदी जी से नाराज भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं, चाहे 5 KG राशन का मामला हो या फिर राम मंदिर का मामला हो। वहीं कुछ लोग का कहना है कि रोजगार नहीं दिए हैं, मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, हमें रोजगार चाहिए, इस पे वोटिंग होगी। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मुद्दा रहेगा, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? आप किन बातों को लेकर वोटिंग करेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, जमुई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।